subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेफ फैसल, तुहांजी सुपर कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज तुहांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं, काफ़ी सारी तुहांजी फरमाइश भी पूरी कंदा आहियूं। सियारो भी आहे, सियारे जी मज़े मज़े जी शयूं तव्हांखे ठाहिण सेखारियूं पिया, तव्हां इंजॉय भी कंदा हूंदा। त अॼु बि ठाहियूं पिया बीफ पसंदि आहे, हिन जी फरमाइश बि पसंदि आहे। बीफ में ठहंदा पारचा हूंदा आहिनि, मज़ेदार ही भाॼी ठहंदी, हुन सां गॾु ठाहींदासीं भगारे बैंगन। हैदराबादी डिश आहे भगारे बैंगन, तमामु बहितरीन ॿई रेसिपीज़। सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर ऐं मिक्सर तव्हांजे साम्हूं यूज़ कंदा आहियूं। स्क्रीन पे नंबर हले पियो, का भी फरमाइश करनी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, पुछी सघो था। आज की जो मूंखे बहुत ही मज़ेदार और दोनों में फरमाइशें बना रहा हूँ। एक थी बीफ पसंदे की फरमाइश, वो बना रहा हूँ। सेकेंड थी के भगारे बैंगन बनाना सिखाएं। भगारे बैंगन और बीफ पसंदे दोनों डिफरेंट रेसिपीज़ हैं और बहुत ही मज़ेदार, सर्दियों के हिसाब से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। जो भी फरमाइश करनी हो, कुछ भी पूछना, पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर आपके सामने यूज़ करता हूँ। किचन में चलेंगे, रेसिपी करेंगे स्टार्ट। पसंदे हम बनाएंगे 1/2 kg के हिसाब से, ठीक है, 1/2 kg के हिसाब से बनाएंगे। अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं 1 kg तक, तो फिर आपने हर चीज़ उसमें डबल कर देनी है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पसंदे बनाना शुरू करते हैं। पसंदा जेके ठहंदा उहे 1/2 kg जे हिसाब से ठाहींदासीं। अगरि तव्हांखे वधीक ठाहिणा आहिनि त पोइ तव्हां हिनखे डबल करे छॾिजो, ठीक है। हीअ मेरे ख़्याल में एबटाबाद से फरमाइश थी, ठीक है, एबटाबाद से फरमाइश थी जिनकी, तो प्लीज़ अपनी रेसिपी नोट कर लीजिएगा। पसंदे हमने यहाँ पे 1/2 kg लिए हैं। पसंदे किस तरह होते हैं ये देखें, पारचे बने हुए होते हैं गोश्त के, ठीक है, इस तरह के पतले पतले पारचे बने हुए होते हैं। ये आप बनवा लेंगे, ठीक है, 1/2 kg हैं। आप 3 पाव 1 kg तक बनाएंगे तो उसमें फिर वो जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी ऐड होंगी, वो आपने डबल करनी है, ठीक है। गोश्त बिल्कुल हिन जा पारचा ठहियल आहिनि हिन तरीक़े सां। पसंदा हिनखे चइबो आहे, हीअ तव्हां गोश्त वारे खां जॾहिं गोश्त वठंदव बग़ैर हॾी जे, हुनखे चइजो पसंदा ठाहे ॾे पारचा, ठीक आहे। हीअ आहे 1/2 kg। हिनखे स्टार्ट करण लाइ असांखे हिन में छा छा शयूं एड करणियूं आहिनि, हू सभु तव्हांखे ॿुधाईंदा वेंदासीं। स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में बताता जाऊंगा कि इसमें क्या क्या ऐड होगा। एक बड़ा प्याज जाएगा, 1/2 slice कटिंग किया हुआ, या 2 medium size के प्याज आपने ले लेने, 1/2 slice कटिंग करके, ठीक है। यहाँ पे हम 1/2 cup डालेंगे कुकिंग ऑयल, हलियो वो, ठीक है। जी ऑयल इतने गर्म थी, इनमें असं विजासी बसर कटिंग नॉर्मल थियल ब दरमियाने साइज़ जा, या एक वड़ो बसर, ठीक है, या 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे, या एक बड़ा प्याज आपने ऐड करना है, ठीक है। और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अच्छा, पसंदों में बहुत से लोग प्याज नहीं ऐड करते, ठीक है, बहुत से लोग प्याज ऐड नहीं करते, बहुत से लोग प्याज ऐड करते हैं, तो मैं ऐसे बना रहा हूँ जिसमें आपकी ग्रेवी भी ज़्यादा बन जाए, ठीक है। प्याज के साथ प्याज को हमने करना है यहाँ पे लाइट गोल्डन कलर में फ्राई, ठीक है, बसर के लाइट गोल्डन कलर में फ्राई कंदासीं, वधीक गाढ़ो न करणो। जेसि ताईं बसर असांजो फ्राई थिए पियो, ठीक आहे, हिन में मसाला छा छा वेंदा हीअ तव्हांखे ॾेखारे छॾां। इहे देखो इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, ये आप नोट करते जाएं। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है, नमक इसमें जाएगा 1/2 चाय का चम्मच हसबे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई या पिसी हुई 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है, गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो। वरी ॿुधायां पियो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हेड 1 चाय जो चमचो, लूणु 1/2 चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कुटियल कारा मिर्च या पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जे चमचे खां थोरा घटि रखिजो, पीठल धाणा 2 चाय जा चमचा भरे विझंदासीं, गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चमचो वेंदो, ठीक आहे। हिन सां गॾु हिन में ॾही ऐड थींदी, ॾही असां खणंदासीं 1/2 pound दही जाएगी, ठीक है, इसमें और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट किस्म के बनेंगे, हरी मिर्चें भी इसमें ऐड जाएंगी, और इजी वे में बनाना सिखा रहा हूँ पसंद है, ठीक है। एक बनते हैं बिहारी पसंद है जिसमें ब्राउन प्याज का एडिशन होती है, सरसों का तेल डलता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ये ईजी वे में आप पसंद सीख रहे हैं। प्याज जब लाइट सा गोल्डन कलर में आएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज, हमने थोड़ा सा इसमें ऑयल और डालेंगे, 1/2 cup होना चाहिए ऑयल पूरा, ठीक
ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे भगारे बैंगन। भगारे बैंगन भी बहुत मज़े की रेसिपी है और जिनकी फरमाइश थी तो वो भी नोट कर लीजिए, शायद कराची से फरमाइश थी भगारे बैंगन की। ठीक है, भगारे बैंगन जी जेका फरमाइश है ये हैदराबादी साबित बैंगन ठाईंदा आहिनि। वाङण जेके हूंदा आहिनि हुनजे अंदरि मसालो हूंदो आहे, ॾाढी ज़बरदस्त हुनजी ग्रेवी ठहंदी आहे, त उहो तव्हांखे ठाहिणु सेखारूं पिया। इनशाला हिन हफ़्ते में सॼी तव्हांजी फरमाइशूं पूरियूं कंदासीं जेके जेके रहिजी वियूं आहिनि। प्याज को भूनते रहें, प्याज में पानी होता है तो ये थोड़ा टाइम लेता है। अच्छा से इसकी भुनाई करते रहें, पानी ड्राई हो जाएगा, लाइट से इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो गया, अब ये गोल्डन कलर पे जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हरी मिर्चें जाएंगी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और साबित गरम मसाला जाएगा। साबित गरम मसाले में क्या जाएगा, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, 10 से 12 दल साबित काली मिर्च, ठीक है, और एक दालचीनी की स्टिक और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा जाएगा, एक चाय के चम्मच जितना, बस ये सब साबित गरम मसाला इसमें जाएगा। अच्छी तरह प्याज को लाइट सा फ्राई करते हैं। ठीक है, पसंदे बन रहे हैं, जिन्होंने अभी टीवी खोली हो तो नोट करते जाएगा, अभी हमने स्टार्ट ही लिया है बिल्कुल। ठीक है, बसर हते जी गाढ़ो थे शुरू थी तो हल्को हल्को बसर में मसाला ऐड करना शुरू कर चलना से। जब आप देखेंगे प्याज अब हमारा होने लगा है लाइट सा गोल्डन कलर में, इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 1-2 टेबल स्पून, 2 खाने का चम्मच अदरक थूम जो पेस्ट हले हुए। ठीक है, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट चला गया, प्याज जब आपका लाइट सा सुनहरी कलर में आने लगा है। ठीक है, बसर जॾहिं लाइट गुलाबी थियण लॻो आहे, अदरक थूम जो पेस्ट विझी छॾियो हुनजे अंदरि। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें चॉप की हुई 3 अदद, 3 अदद हरी मिर्चें चॉप की हुई डालेंगे, और अगर बहुत तेज़ है हरी मिर्च तो फिर 1 से 2 डालिएगा, नॉर्मल वाली है तो 3 डालेंगे। ठीक है, अच्छी तरह फ्राई करें हरी मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें जो मसाले सारे रखे हुए थे यहाँ पे, सब मसाले इसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, जितने मसाले थे ये सारे मसाले डाल दिए इसके अंदर। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, धनिया पाउडर इसमें डाल दिया है 2 चाय के चम्मच भर के या 1 टेबल स्पून कर दें, गरम मसाला पाउडर चला गया इसके अंदर 1/2 चाय का चम्मच। ठीक है, मसालो छाछा विधो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, हेड 1 चाय जो चम्मचो, पीठल कारा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, लूण 1/2 चाय जो चम्मचो, पीठल धाणा 2 खाइण जा चम्मचा या 2 चाय जा चम्मचा करे वठिजो। ठीक आहे, हुन सां गॾु गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चम्मचो वियो, हीउ मसालो भुञी छॾियो। मसाला भुनने के बाद अब जो पसंदे रखे हुए जी, पसंदे इसके अंदर डाल देंगे और इसको 2 मिनट भूनेंगे। कॉल भी लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, आपकी लाइन ड्रॉप ना हो जाए। ओके जी, टीवी का हमेशा वॉल्यूम बंद करके बात किया करें। ठीक है, दोबारा कॉल कर सकती हैं लेकिन टीवी का वॉल्यूम बंद करके। अब इसको 2-3 मिनट भूनेंगे पसंदों को। ठीक है, 2 मिनट भूनण का पो इनमें पानी भी छंदासी 5 कप, 4 से 5 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। ठीक है, 4 से 5 कप पानी डालेंगे, दही अभी मैं नहीं डाल रहा हूँ, दही हम इसमें बाद में डालेंगे। अच्छी तरह भून लें इसको 3-4 मिनट तक, ताकि मसाला अच्छा सा इसके अंदर चला जाए। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 कप पानी। ठीक है, पानी 4 का 5 कप जी। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? थैंक यू। इतना पानी डाल रहे आप जी, इसमें तो पानी जाता है कहीं 20 मिनट ना? दोबारा बोलिएगा, पानी क्या? मैंने कहा 20 मिनट ना पानी जाते हैं। 5 कप पानी डाला, 4 से 5 कप। अच्छा, और अगर
चिकन में बनाना तो उसकी रेसिपी बनाएंगे। चिकन में अगर आप बनाएंगी तो चिकन में फिर आप 1 से 1.5 कप पानी डालेगा, 1 कप तक, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। अब इसको हम शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे और ये हमारा पकता रहेगा तकरीब 30 से 35 मिनट, ठीक है? टीए का 25 मिनट है पसंदा सांझा पचंदा रहंदा, ये पकते रहेंगे पसंदे 30 से 35 मिनट। 4 से 5 का पानी डाला है क्योंकि पसंदे ये जल्दी गल जाते हैं, ठीक है? तकरीब 30 मिनट आपने इसको छोड़ देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। दरमियानी बाहे ते इनके छड़ी वठंदासी आए असा पसंदा तैयार थे। हाँ कंदासी, अब हम बनाएंगे भगारे बैंगन। भगारे बैंगन के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे बैंगन हम लेंगे मीडियम साइज़ के गोल, ठीक है? गोल बैंगन लेंगे, 5 अदद बैंगन है मेरे पास, ठीक है? आप 6 भी कर सकते हैं, 5 काफ़ी हैं। 5 वांगण हैं गोल, 1 साइज़ जो होजन खपन, ठीक है? इनके बाद में कट लगाइंदा थे, हाल ही कट न था लगाए हे रखल हैं, ठीक है? इसका जो मसाला हम रोस्ट करेंगे सबसे पहले, ये आप देख लें क्या क्या है। यहाँ पर है 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 3 खाने के चम्मच छिली हुई मूँगफली, 3 खाने के चम्मच है सफ़ेद ज़ीरा, 3 खाने के चम्मच है पिसा हुआ नारियल, 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल और 3 खाने के चम्मच खशखाश। खशखाश को वॉश करके ड्राई कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें मट्टी होती है। छाछा विचूपिया 3 खाने का चमचा साबुत धाना, 3 खाने का चमचा मूँगफली छिलियल, ठीक है? 3 खाने का चमचा अछो ज़ीरो, 3 खाने का चमचा इतने विझंदी डूंगी, 3 खाने का चमचा अछा तिर, 3 खाने का चमचा खशखाश। खशखाश के धोई छो, धोने का पिसाए पानी में कढ़ी, उनके छानी में रखी छो, खुश्क थी वने पो विझंद, ठीक है? इन सब चीज़ों को हमने रोस्ट करना है फ्राइंग पैन में, ठीक है? 3-4 मिनट इन सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे। रोस्ट करके फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मसाले को, ठीक है? 3-4 मिनट हमने रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे, हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, ठीक है? 3 से 4 मिनट आपने इसको रोस्ट करना है। 3 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 3 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 खाने के चम्मच मूँगफली छिली हुई, 3 खाने के चम्मच पिसा हुआ नारियल, 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल, 3 खाने के चम्मच खशखाश। ये बन रहे हैं भगारे बैंगन, उसका मसाला बन रहा है, ठीक है? 3 खाने का चमचा डूंगी, 3 खाने का चमचा अच्छा तिर, 3 खाने का चमचा खशखाश, 3 खाने का चमचा मूँगफली, 3 खाने का चमचा साबुत धाणा, 3 खाने का चमचा अछो ज़ीरो। इनके 3-4 मिनट ताएं ते रोस्ट कंदो, वधीक ना, ठीक है? सड़े ना मसालो ताजो। जब तक ये रोस्ट हो रहा है फिर हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे मसाले को, जो भी ये साबुत मसाला है। ये रोस्ट हो गया, जलना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये सारा मसाला हम ग्राइंडर में डालेंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे और ये मसाला आधा हम बैंगन को कट लगा के उसके अंदर भरेंगे और आधा मसाला हम ग्रेवी में डालेंगे, ठीक है? अध मसालो इन जो वांगड़न में विंदो, अध मसालो ये जो रोस्ट थियल है, ठीक है? ग्राइंड थियल है, बाकी अद मसालो असि ग्रेवी में विझंदी। ढी जबरदस्त रेसिपी है भगारे बैंगन, जिनकी फरमाइश हुई तो नोट कर वो। सारा मसाला मैंने निकाल दिया, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही ग्राइंड होने के बाद, क्योंकि इसमें मूंगफली भी है, इसमें खशखाश भी है, इसमें सफ़ेद तिल है, सब ग्राइंड हो गया, ठीक है? अच्छी तरह निकाल लेते हैं इसको और फिर ये मसाला हमने बैंगन में भरना है। ये हो गया हमारा पूरा मसाला निकल गया इसमें से, इसको रखते हैं साइड में और अब क्या करेंगे, बैंगन जो हमारे पास इसको कट लगाएंगे, ठीक है? बैंगन को आपने क्रॉस में कट लगाना है, फिर इसको
इन तरीके से वांगणन के स्टिक से गड उजन खपे, ठीक है। डंडी के साथ होना चाहिए, डंडी नहीं हटानी है, डंडी तक नहीं जाएगा बहुत, बस इस तरह क्रॉस में कट लगाने हैं, ठीक है। इस तरह आपने बैंगन को कट लगाना है, 5 अदद बैंगन है मीडियम साइज के। ठीक है, हेरी सो आई पो इनमें थोड़ा सा लून लगाइंदासी, ठीक है। हैदराबादी मिर्चें भी बनती हैं, मिर्चों का सालन, वो भी इंशाल्लाह बनाऊंगा। इस तरह क्रॉस में कट लगा दिया, और अब कट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे नमक थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस तरह एक एक पिंच नमक लगाएं, नमक से ताकि बैंगन जो अंदर तक फीका ना रहे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नमक ला के इसको इस तरह रगड़ दें ताकि बैंगन में नमक लग जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नमक इस तरह छिड़कते जाएं और फिर इसको इस तरह मसलते जाएं, ठीक है। ताकि नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नमक थोड़ा थोड़ा एक एक चुटकी दोनों साइड पे इस तरह डाल दिया, फिर यूँ घुमा के फिर इस तरह नमक डाला, फिर इसको मसल दें ताकि नमक जो है बैंगन के अंदर बैठ जाए, फीका ना रहे बैंगन अंदर से, ठीक है। वांगणन के अंदर लूण विधो, इनके चंगी तरह मिक्स कंदासीं। ये हमारे हो गए 5 बैंगन तैयार, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मसाला हमने बना के रखा है ग्राइंड किया हुआ, अच्छा जब मसाला है मैं इसके क्रॉस में एक दिखा दें करीब से, फिर मैं भरना शुरू कर दूँगा। इस तरह मसाला आपने इसके अंदर भरना है हाथ से, और ब्रेक का टाइम भी हो गया है, तो ये मसाला इस तरह दोनों साइड पे डालेंगे और बैंगनों में भर देंगे। आधा मसाला हमने बैंगन में भरना है, ठीक है। इस तरह मैं 5 बैंगन भर के रखूंगा, बाकी प्रोसेस हम करेंगे ब्रेक के बाद। एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक वटूँ था जिस टाइम मैं मसालों से जो भरूँ था वटूँ था ब्रेक, ब्रेक का पची कंटिन्यू करता। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक तवन का पैसा मुझे कर रेसिपी टाइप पसंद ठाई पे अहम सा ठाए पे भगारे बैंगन, भगारे बैंगन सालो भरी छोड़ो, ठीक है। पसंदे बन रहे हैं, पसंदे हमारे तैयार हो रहे हैं, चढ़ा दिए थे, और भगारे बैंगन के अंदर जो मसाला था वो मैंने भर दिया है, ठीक है। भगारे बैंगन के अंदर जो मसालों भरे हो वरी रिपीट कराई तो छा, 3 खाने जा चमचा साबित धाणा, 3 खाने जा चमचा अछो जीरो, 3 खाने जा चमचा खशखश, 3 खाने जा चमचा विझंदो अच्छा तिर, ठीक है। आई डूंगी विझंदो इनमें 3 खाने जा चमचा, ठीक है। ये सब शयूँ रोस्ट करे, रोस्ट करण का पो पीसे इन के अंदर, आई मूंगफली 3 खाने जा चमचा रोस्ट करे इन के अंदर विझंदो, ठीक है। पीसे छोड़ो, पीसण का पो ही वांगणन के कट लगाइंदो, क्रॉस में कट लगाने का पो इनके लूण लगाइंदो, थोड़ो थोड़ो लूण लगाए चंगी तरह मिक्स कजो, उनका पो इन के अंदर मसालो भरे हुआ अद बाकी मोह रखी छोड़ो, ठीक है। यहाँ तक कि बता रहा हूँ कि भगारे बैंगन के लिए जो मसाला बनाया था ड्राई रोस्ट किया था उसके लिए 3 खाने के चम्मच मूंगफली, 3 खाने के मूंगफली, 3 खाने के चम्मच खशखश, 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल, ठीक है। 3 खाने के चम्मच लेंगे पिसा हुआ नारियल, 3 खाने के चम्मच साबित धनिया, 3 खाने के चम्मच जीरा, ये 6 चीज़ें थी। इनको रोस्ट किया, फिर ग्राइंड किया, ग्राइंड करने के बाद क्रॉस में कट लगाया, मीडियम साइज़ के बैंगन थे गोल 5, उसको कट लगाया, हल्का हल्का सॉल्ट लगा के क्रॉस में उनके उसको रगड़ दें ताकि नमक आ जाए इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा नमक लगाएगा, उसके बाद जो मसाला ग्राइंड किया था रोस्टेड ये हमने थोड़ा थोड़ा भर दिया, अच्छी तरह क्रॉस में फिल कर दिया, बाकी मसाला साइड में रखा है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अदी क्या हाल है? अदा सब खैर है, शुक्र है अल्लाह जो तंगी है, ठीक है। बिल्कुल दुआओं दा जो जी सर्दी वर्दी का बच्चा आयो बस हलो पिया तबीयत सही ना है वो भी आयो आया ना दा शुक्र है अल्लाह जो सही है आई अल्लाह करे सदा ही ठीक हो जो चाह को जो चंगा भला आमीन जजाक अल्लाह दी हां बस असा वट हैदराबाद में दादा जी सी है हते भी सी हो आज थोड़ो घट आए लेकिन चंगा सी हले पे होते भी बस ठंड हले पे छक्का रहले हां बिल्कुल बिल्कुल अदा ही ताम है कि दाल पूछ रही जी भगारे बैंगन वो या पसंद जो भाई भाई मसाला मिले इंजीर जो हलवो इंशाल्लाह लिस्ट में आए वो जरूर ठाईंदासी मथे हफ्ते दिसजो ठीक है हिकड़ी बी भी गाल है जी बिल्कुल चाहो बुधायो मुखे यो बुधायो जो तो ये जे के आसी कूंदन में मिठो टिक्की खाइंदा आयो ना जी दी
उन्हनि में चार किलो मैदे में त असीं उन में नारियल या सूजी या गिहु केतिरो विझूं? मिठी टिकियूं मां ठाहिण सेखारियूं, तव्हां मुंहिंजे पेज ते ॾिसी वठो, उते अपलोड आहिनि रेसिपीज। न न न न उहे आहिनि पर आवाज़ घणे थोरी हिकिड़ो मिंट होल्ड कर जी। हा ऐं तव्हां खां इहो थी पुछां, चार किलो मैदो हुजे न? वरी ॿुधाइजो छा पिया चओ? चार किलो मैदो हुजे न? हा हा, त उन में सूजी ऐं गिहु ऐं पंहिंजो नारियल वग़ैरह केतिरो हुजे? हलो ठीकु आहे, मां इहे सॼो थोरी देरि में तव्हांखे ॿुधायां थो सॼी डिटेल, ठीकु आहे? ओके, थैंक यू, अलाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ पे जैसे ऑयल गरम हुआ हाफ कप, सबसे पहले हम इसमें भगार बनाएंगे। यहाँ पे है एक खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 अदद साबित लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच भर के राई जो सरसों के बीज होते हैं हम अचार में डालते हैं, 15 से 20 दाने कड़ी पत्ता है, ठीक है। अछो ज़ीरो एक चाय एक खाइण जो चमचो, लौंगी मिर्च 8 अदद, ये आए राई सरे जा बिज एक चाय जो चमचो भरे, इन सा गड कड़ी पत्ता 15-20 दाना, ठीक है। ये डाल दिया भगार के लिए, हल्का सा इसका भगार बनेगा, खुशबू आने लगेगी भगार से। तो फिर हम क्या करेंगे, एक बड़ा प्याज या 2 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बना लीजिएगा जूसर जग में, ठीक है। ये ब्लेंडर में हमने प्याज का पेस्ट बना लिया था थोड़े से पानी के साथ, पूरा 1 से 1.25 कप प्याज का पेस्ट होना चाहिए, ठीक है। भगार ठहींदो, 1/2 कप ऑयल खयों, अछो ज़ीरो 1 खाइण जो चमचो, राई 1 चाय जो चमचो, कड़ी पत्ता 15-20 अदद, कड़ी पत्ता नाइन तुझे बगैर भी ठही वो लेकिन असल रेसिपी में कड़ी पत्ता विझबाइन, लौंगी मिर्च 8 अदद, ठीक है। 1/2 कप कुकिंग ऑयल, राई 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, साबित लाल मिर्च 8 अदद, कड़ी पत्ता 20 दाने होने चाहिए कम अज़ कम, क्योंकि इसकी ओरिजिनल जो टेस्ट आता है हैदराबादी खानों का कड़ी पत्ते से आता है। अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो उसके बगैर बन ही जाएगा, वो फ्लेवर नहीं आएगा जो कड़ी पत्ते से आता है, ठीक है। जब आप देखेंगे भगार अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, कड़ी पत्ता जलना शुरू हो गया, कलर चेंज होना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा था प्याज का पेस्ट, ठीक है। प्याज का पेस्ट डाल के इसको 3-4 मिनट भूनेंगे, ठीक है। बसरन जो पेस्ट विधो, इनके 3-4 मिनट भुंजंदासीं, कलर जॾहिं बसर जो चेंज थियणु लॻंदो पोइ छा कंदासीं, जेके मसालो असां पीसे रखियो जेके वाङणनि में विधो उहो इनजे अंदरि एड कंदासीं, ठीक है। जो मसाला पीस के रखा था और जो बच गया था बैंगन में डाला, जो ग्राइंड किया था रोस्टेड मसाला, वो इसमें ऐड करेंगे। उससे पहले हम डालेंगे 1-2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज गोल्डन कलर में आने लगे तो फिर आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है 2 खाने के चम्मच, ठीक है। इसका भगार बनने दें अच्छा सा, प्याज लाइट सा गोल्डन कलर में आने दें, कवर कर देते हैं, ठीक है। पसंदे हमारे तैयार हो रहे हैं, उसको भी चेक करते हैं। गोश्त गल जाना चाहिए, ठीक है, मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि हमारे जो पसंदों का गोश्त है वो अच्छा सा गल जाए, ठीक है। इसमें 4 से 5 कप पानी डाला था, अगर बीफ के बजाय आप चिकन के पसंदे बना रही हैं तो उसमें फिर आपने 1 से 1.25 कप पानी डालना है, उसमें वो गल जाएंगे, ठीक है। दही अभी हमने ऐड नहीं की है, इसमें 1/2 पाव दही जाएगी बाद में, अभी बीफ को हमने गलाना है, 30-35 मिनट तक ये गलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जब इसका प्याज लाइट सा गोल्डन कलर में आ जाएगा फिर हम ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है ये डालेंगे, उसमें फिर जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच जाएगा। कॉल वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अदा खुश है, अल्लाह जो शुक्र है। दी कहने की था गलायो पिया हैदराबाद का गलायो था ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ चेंज चाहिए दो? ऑरेंज चिकन, ठीक है, मथे हफ्ते आए ऑरेंज चिकन इंशाल्लाह जरूर दिसजो, ठीक है। मेहरबानी आदि, पंजो ख्याल रखजो, आमीन आमीन, जजाक अल्लाह आमीन। अच्छा सा इसको भूनेंगे, कवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मसाला उछल रहा होता है, बाहर की तरफ आ रहा होता है, कपड़े भी आपके गंदे ना हो और आराम से आप इसको पकाएं।
ठीक है, जब ये मसाला प्याज का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी एक एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और ग्राइंड मसाला जो रोस्टेड है वो डालेंगे। ठीक है, जॾहिं बसर गाढ़ो थी वेंदो, अदरक जो पेस्ट विधो, हाणे पोइ हिनमें असां छा विझंदासीं, कुटियल गाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, हैड हिकु चांहि जो चमचो, लूणु अधु चांहि जो चमचो, ऐं जेको मसालो रोस्ट कयो ग्राइंड कयो साबित मसाले खे उहो जेको बचाए रखियो अधु उहो सॼो हिन जे अंदरि वेंदो। ठीकु आहे, इसका कलर अच्छा सा चेंज करना है हमने, प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर होना चाहिए, इसीलिए मैं कवर कर रहा हूँ ताकि अच्छा सा ये पक जाए। भगारे बैंगन हमारे पसंदों की रेसिपी पूरी रिपीट कराऊंगा। ठीक है, बहुत इजी रेसिपी है, जिन्होंने टीवी अब खोली हो तो वो फिर नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें डालेंगे जो ग्राइंड किया हुआ मसाला, ये सारा इसके अंदर चला गया। पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आमना बात कर रही हूँ कराची। जी आमना, आप कैसी हैं? मैं आमना बलोच बात कर रही हूँ, और मैंने लास्ट टाइम भी कॉल की थी आपसे, बंगाली बैंगन का बताया था और माशाल्लाह से आज आप बना रहे हैं। अच्छा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के, आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा बना रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपकी फरमाइश थी, चलें अच्छा हुआ आपने देख लिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, कोई और फरमाइश करनी है आपने? चलें बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये बना के मुझे बताइएगा कैसे लगे आपको। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छा, चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, बात कर रहा था, मसाला डाला जो ग्राइंड किया हुआ था सारा रोस्टेड मसाला डाल दिया, और पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। ठीक है, बसर जॾहिं हल्को गाढ़ो थियो उनमें पीठल गाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, हैड हिकु चांहि जो चमचो, लूणु अधु चांहि जो चमचो, ऐं जेको रोस्ट कयल मसालो पियो हो ठीकु आहे उहो सॼो हिन जे अंदरि विझी छॾियो। और अब मैं इसको एक सेकंड बस रुक जाएं, ब्रेक पे जाने वाले हैं। ठीक है, मैं बता दूं कि हमने क्या करना है, इसमें हमने डाल देना है 4 कप पानी। ठीक है, 4 कप पानी डाल दिया, और ये जो बैंगन थे ये मैं इसके अंदर डाल के इसको कवर कर रहा हूँ, एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है, 4 कप पानी विधो, ऐं वांगण जेके आहिनि मसाले जे अंदरि कवर करे विझी हिनखे 2 मिंट घुमाइण खां पोइ कवर कंदासीं। वठो त हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक काढे ॾियण जो, ब्रेक खां पोइ रेसिपी कंटिन्यू। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका रेसिपी ठहे पई, बीफ पसंदा, मज़ेदार बीफ पसंदा ठहनि पिया, हुन सां गॾु असां ठाहियूं पिया भगारे बैंगन। बीफ पसंदे बन रहे हैं और साथ ही बन रहे हैं भगारे बैंगन, दोनों फरमाइश थी, बीफ पसंदे की फरमाइश थी अहमदाबाद से, पता नहीं देख रही कि नहीं देख रही, मैं बना रहा हूँ रेसिपी, देख लीजिएगा तो बना लीजिएगा, और कल 12 बजे रिपीट भी चलता है। ठीक है, और यहाँ पर भगारे बैंगन बन रहे हैं, बीफ पसंदे अभी पानी है इसमें, जब बिल्कुल ड्राई होने लगेगा फिर हम इसमें साबित गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा भून के फिर दही डालेंगे, फिर इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, बीफ पसंदा जो ठान पिया इन जी रेसिपी पूरी रिपीट कराया, तो पसंदा खणंदासीं 1/2 किलो का ट्रे पा जेतिरा बारीक बारीक पारचा हूंदा आहिनि। ठीक है, 1/2 कप ऑयल गरम कंदो, हुनमें तव्हां बसर विझंदो, हिकु वॾी गंढ हाफ स्लाइस कटिंग थियल, हुन खां पोइ तव्हां विझंदो सावा मिर्च 3 अदद बारीक कटिंग थियल। ठीक आहे, हुन सां गॾु अदरक थूम जो पेस्ट विझंदो हुनमें तकड़ 2 खाइण जा चमच, भुञंदो बसर थोरो हल्को सो गुलाबी थियणु लॻंदो, पोइ हुन में पीठल गाढ़ा मिर्च, कुटियल गाढ़ा मिर्च,
हेड हिकु हिकु चांहि जो चमचो, कारा मिर्च पीठल हिकु चांहि जो चमचो, जीरे जो पाउडर हुजे त उहो बि विझ छॾिजो हिकु चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर हिकु चांहि जो चमचो, लूणु अधु चांहि जो चमचो, कारे मिर्चनि जो पाउडर हिकु चांहि जो चमचो। मसाले खे भुञे चङी तरह पोइ हुन में पसंदा विझंदासीं बीफ जा, ठीकु आहे। हुनखे चारि पंज मिंट भुञण खां पोइ चारि खां पंज कप पाणी विझी हुनखे हल्की बाहि ते छॾी वठिजो 25 खां 40 मिंट। गोश्त ॻरी वेंदो, पाणी खुश्क थियणु लॻंदो, अॻियां जो प्रोसेस बाद में ॿुधाईंदुमि, ठीकु आहे। बीफ पसंदे की रेसिपी बता रहा हूँ, उसके लिए हाफ कप ऑयल गरम किया, उसमें आपने एक अदद बड़ा प्याज डाला, हाफ स्लाइस कटिंग करके लाइट सा गोल्डन कलर होने लगा, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 3 अदद चॉप करके डालेंगे, भून लेंगे। फिर उसके बाद आपने इसमें पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर 1-1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, गर्म मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून डाल के भूनेंगे। फिर गोश्त डाल देंगे पसंदों का, उसको 5 मिनट भूनने के बाद 4 से 5 कप पानी डाल के इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्की आँच पर आपने छोड़ देना 30 से 35 मिनट, गल रहे हैं, उसके बाद का प्रोसेस बाद में बताता हूँ। पहले लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदा खुश होया ना? बिल्कुल ठीक ठाक। आदी कह रहे कि थंग लाया पिया? हां तबीयत सही थे ना भा? बे तबीयत ठीक है। हां भाव सही फरमा कह नहीं हुई। बिल्कुल कयो भाव ग्राम शुगर वाला केक हो सके तारी वरी बुधाई जो आदी जोर सा थोड़ो ग्राम शुगर वाला केक हो सके केक। हां केड़ो केक? ब्राउन शुगर वाला हो। ब्राउन शुगर केक ठीक आदी नोट करता तू इंशाल्लाह। चॉकलेट वाला? चॉकलेट वाला। चॉकलेट वाला चलो ठीक है, इंशाल्लाह ठाई सकंदा से ठीक है। हां भाई याद कयो इंशाल्लाह। ओवन आए ता ओवन में ठाइंदो ना? नहीं नहीं पर ओवन ना है पतीलो भाई। हेलो ठीक है ठीक है, मैं कोशिश करदम ठाई से काटदम ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस मैंने बता दिया है। भगारे बैंगन हमारे बन रहे हैं, भगारे बैंगन की रेसिपी बाद में रिपीट कराऊंगा। अब हम देखते हैं पसंदों को कि कहाँ पर पहुँचे। ऑयल ऊपर आ गया, पानी है अभी इसके अंदर, ठीक है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है, इसमें ग्रेवी सी है अभी, ये ग्रेवी हमने ड्राई करनी है, ठीक है। थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देंगे। गोश्त को इस तरह चेक कर रहा हूँ, बोटी गल चुकी है, ठीक है। पसंदे को मैं चेक कर रहा हूँ तो ये टूट रहा है, गल चुका है, ठीक है। गोश्त इसको थोड़ा भूनेंगे, पानी इसका ड्राई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे साबित गरम मसाला, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद छोटी इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और साबित काली मिर्च है 6 से 8 अदद और सफ़ेद ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, ठीक है। साबित गरम मसालों विझी छॾियो हुनजे अंदरि, जंहिंमें लौंगी मिर्च और सॉरी वॾो फोटो जेको कारो वारो हूंदो आहे उहो 1, नंढा फोटा 3 अदद, अछो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो, दालचीनी जी 1 डंडी विधी ऐं कारा मिर्च साबित तक़रीबन 6 खां 8 दाणा या 12 दाणा ईअं विझी छॾिजो ऐं अछो ज़ीरो 1 चांहि जो चमचो, ठीकु आहे। हाणे हिनखे थोरो पचाईंदासीं, हुन खां पोइ छा कंदासीं, हिते ॾही खईं, अधु पाउ ॾही आहे ऐं हिनखे चङी तरह फेटे था वठूं। आधा पाउ ॾही आहे, इसको मां बीट कर रहा हूं, ॾही इसमें डालेंगे। अच्छी तरह बीट करके दही डाला करें, जब भी सालन में डाल के, ताकि उसके लम्स ख़त्म हो जाएं, वरना वो क्या होता है ऐसे फटाफट सी दही नज़र आ रही होती सालन के अंदर, पीसेस नज़र आ रहे, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब आप देखेंगे इसका ऑयल ऊपर आने लगा है, पानी अभी ड्राई हो रहा है, थोड़ा 1 मिनट और छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद दही डालेंगे, दही डाल के फिर इसको कवर कर देंगे हल्की आँच पर 10 मिनट के लिए। कॉल। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये मैं बात कर रही हूँ। जी जी कैसी हैं? आपकी पसंदों की फरमाइश थी शायद? जी मेरी पसंद पर देख रही थी, बहुत जबरदस्त आपने बनाए, मैं भी बनाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, बनाइएगा जरूर। अभी मैं इसमें दही डालने वाला हूँ, फिर वो दही डालूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल करके बता दिया, ठीक है। चले अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। फिर बताइएगा जरूर, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अब इसका ऑयल ऊपर आने लगा है, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि बोटी जो है पसंदे की वो गली हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं गलता उसको मज़ीद आप 1 कप गर्म पानी डाल के उसको गला लें, कच्चा पानी ना डाला करें। फिर क्या किया करें, जब सालन में आपको लगता है गोश्त नहीं गल रहा, तो पानी उसमें जितना भी डालना होता है उसको बॉयल करके डाला करें, ताकि ठंडा पानी डालने से गोश्त अकड़ भी जाता है, ठीक है। गोश्त में पानी जॾहिं विझंदा आहियो, गरम करे बॉयल करे पानी विझंदा आहियो, जेतिरो तव्हांखे ऐड करिणो आहे। तो अगरि आपको देखेंगे पसंदा नहीं गला है, 1 कप 1/4 कप या 1/2 कप जितना पानी आप डालना चाहिए उसको बॉयल करके डालेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर पसंदे गल चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया, तो दही जो बीट करके रखा था 1/2 पाव ये इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। दही डाल के इसको मिक्स करेंगे,
अच्छी तरह मिक्स करें। ठीक है, अब इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच ऊपर से, और इसको कवर कर देंगे हल्की आंच पे, बिल्कुल दम पे लगा देंगे। ठीक है, चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे कर दिया मैंने दम पे लगाने के लिए। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें साबुत 5 से 6 अदद, 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें डाल दी, और इसको दम पे लगा देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। ठीक है, दही विजी छड़ी, दही विजी मिक्स कर जो 2 मिनट इनके मिक्स करके आपको गर्म मसाला पाउडर आधे चाय जो चमचो इन लौंग साबित सावा मिर्च अदद विजी छड़ी दम से छड़ी बैठा सी 10 मिनटन का पो इनके डिश आउट करना सी। ठीक है, भगारे बैंगन हमारे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, बीच में 1-2 दफ़ा इसको पलटा दीजिएगा बैंगनों को ताकि ये चारों तरफ से नरम हो जाए। ठीक है, अभी बैंगन को मैं पलटा रहा हूँ, साइड इसके चेंज करते जाएं ताकि नरम होते जाएंगे चारों तरफ से एक जैसा हो जाए। ठीक है, ठीक है, ब्रेक का टाइम भी आ गया है। ठीक है, इसको मैं पलटा के दोबारा कवर करूँगा, शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। इसको तकरीबन 20 मिनट हमने तकरीबन टोटल 20 से 25 मिनट पकाना होता है, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आकर रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक होने का पहले था साहब मुझे रेसिपी टाइप पे तमाम मज़ेदार है टाइम पे भगारे बैंगन नहीं बीफ पसंदा। ठीक है, बीफ पसंदे बन रहे भगारे बैंगन बन रहे रेसिपी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, बार बार बताता जा रहा हूँ। अच्छा, अब बैंगन हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। ठीक है, बैंगन हमारे तकरीबन यहाँ पर गल चुके हैं, ये देखें इस तरह नरम हो गया बैंगन, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि ये टूटना नहीं चाहिए, इसके अंदर जो मसाला है वो इसके अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/2 कप इमली का पल्प, 1/2 कप इमली का गूदा इसके अंदर डालेंगे पूरे में। ठीक है, ये डाला, हरी मिर्चें 1/2 कर दें मोटी वाली, 3-4 ये डाल दें, फिर इसको दम पे लगा दें 10 मिनट के लिए। दम पे लगा के हम इसे डिश आउट कर देंगे। पसंदे हमारे तकरीबन तैयार हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है, पसंदा असांजा रेडी थी वैन। अगर ड्राई करना चाहें तो आप इसको ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी रहने दें, उससे क्या होता है कोरमे की तरह, तो आप जब नान से खाएंगे आप तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हमारे पसंद है तैयार हो गए, 2 मिनट बाद इसे भी डिश आउट कर देंगे। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कराता हूँ इस वजह से कि आप लोग से कोई भी चीज़ मिस ना हो। कल भी मज़ेदार रेसिपी है, फरमाइशों पर ही है, देखिएगा इंशाल्लाह कल की रेसिपी, तो वो भी दोनों फरमाइशें हैं पूरी करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया, हल्का सा ऑयल इसके ऊपर आ जाए तो इसे डिश आउट कर देंगे। हरा धनिया मैं इसमें डाल रहा हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच, बका ट्रे खंड या चमचा सावा धाणा इन जल्द ऐड कर चलिए। ठीक है, मिक्स करना से 2 मिनट चूल्हा तेज़ किया ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, और फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। ठीक है, पसंदों की रेसिपी मैंने बार बार रिपीट कराई है। आखिर में दही डाली थी आधा पाव बीट करके। ठीक है, फिर इसमें हरी मिर्चें साबित डाली थी 6 अदद डाल दें, और उसके बाद आपने इसमें गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच डाल के इसको दम पे लगा दिया था 8 मिनट के लिए। अब चूल्हा मैंने इसका बंद कर दिया और इससे हम डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये असांजा पसंद आ, खुश करण चाहे तो खुश भी करे सको था, मां इते थोड़ो ग्रेवी अंगर रखियो आ। जी कॉल लेते हैं सखर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है या लाइन में प्रॉब्लम है? ठीक है, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमेशा टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करिए। हमारे हो गए पसंदे तैयार। ठीक है, थोड़ी मैंने ग्रेवी रखी है ताकि खा सकें, बिल्कुल ड्राई होंगे तो फिर वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं। और भगारे बैंगन इमली का पल्प डाला था, इसको फिर एक दफ़ा बैंगन को घुमा दें, पलटा दें, 5 मिनट मज़ीद इसको पकने देंगे, उसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। ग्रेवी इसकी गाढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, 5 मिनट बाद इसे डिश आउट कर देंगे, क्योंकि इमली का जो कच्चापन है वो ख़त्म होना चाहिए। जब इमली का 1/2 कप जितना
थोड़ा हाफ कप से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा करने की ज़रूरत नहीं। मौसम भी ऐसा है, गर्मियों का मौसम आप बनाते हैं तो बस ज़्यादा खट्टा कर सकते हैं आप। वैसे तो इसमें एक कप डलता है इस क्वांटिटी में इमली का पल्प, लेकिन मैंने कम डाला क्योंकि मौसम ऐसा है, तो इस वजह से मैं नहीं चाह रहा कि गला वाला ख़राब हो, ज़्यादा खट्टाई की तरफ जाएँ, तो ये बेहतरीन है इतनी क्वान्टिटी में। ठीक है, कल 12 बजे रिपीट चलेगा। कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ मिस हो रही हो तो आप रिपीट में देखा करें, और मैं बार बार जो रिपीट करा रहा होता हूँ बार बार, तो आप जब लिखते जाते हैं तो जो पोर्शन अगर आपसे कोई लाइन मिस हो जाती है, कुछ मसाला मिस हो जाता है सुनने में, आगे बढ़ जाया करें, फिर दोबारा जब रिपीट कराता हूँ दोबारा उसको फिल कर लिया करें इस जगह को। ठीक है, बस इसको 2 मिनट के बाद हम निकाल देंगे। ठीक है, बैडमिंटन का पॉइंट कटी वठंदा सी गिदामड़ी जी का इंजंदर विधि भी, और जो कच्चोपन खत्म थी वो ऑयल मथे अच्छी हो। ठीक है, अब इसका भी चूल्हा तेज़ करूँगा, थोड़ा इसका ऑयल ऊपर आ जाए। बैंगन टूटना नहीं चाहिए, बैंगन साबित होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह बैंगन इसमें साबित होना चाहिए। बैंगन टूटेगा तो बिल्कुल इसके अंदर फिर मज़ा नहीं आएगा। भगारे बैंगन इसी तरह बनते हैं, साबित होते हैं बैंगन, लेकिन कट लगा होता है इसके अंदर मसाला जो हमने भरा था ग्राइंड करके, वो इसके अंदर ही है मसाला। अभी इसकी ग्रेवी इसके ऊपर डालें इस तरह। प्लेट में जगह नहीं थी तो मैंने 5 नहीं निकाले, वरना हमने 5 बनाए बैंगन। ठीक है, भगारे बैंगन 5 है। और इसका मसाला बहुत मज़े का होता है, 1 हफ्ते तक आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में, इसको 1 हफ्ते तक आप खा सकते हैं। हरी मिर्चों का सालन बनता है हैदराबादी, वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा। आज मैंने सोचा था लेकिन फिर वही था कि मैंने कहा पहले फरमाइशें पूरी करूँ। जी हाँ, क्यों एकदम नीचे? ठीक है, ये हमारे हो गए भगा, इसके ऊपर थोड़े कड़ी पत्ते डाल देते हैं गार्निशिंग में, थोड़ा हरा धनिया गार्निशिंग में डालेंगे, और ये हमारी रेसिपी हो गई कंप्लीट। ठीक है, और जो कि मेरी रेसिपीज कंप्लीट थी, मैं हूँ इनके रखूँ था टेबल पे। ये भगारे बैंगन और उसके साथ बीफ पसंद है। ठीक है, कल 12 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ एसएम मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब पे, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। जलंधर कुकिंग विद शेफ एसएम जो पेज है उधर रेसिपी अपलोड थी, HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कंदो, शेयर पंज खोड़ सारो ख्याल रखो। सुबाने नई रेसिपी से गत मुलाकात थी, जो तुम्हारी फरमाइशों हैं वो भी पूरी कंदी इंशाल्लाह। सुबाने मुलाकात थी, दुआओं में याद रखो। अल्लाह हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में, विजिट करियो असा जो YouTube चैनल सिंध टीवी HD कुकिंग शो।